हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है खुशी और मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ। नर्मदे हर जय माँ का सत श्री अकाल अदब। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से कोट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, राइट। तो दोस्तों, हम कर रहे थे खान सर की आरबीडी पब्लिकेशन की सामान्य विज्ञान पुस्तक के पीवाई की क्वेश्चन। अभी मैं 3 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ और टुडे इज द 4th वीडियो। तो इसमें रहेगा टॉप 100 PYQ और मैं इसमें सारे पास्ट ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस ही लाने वाली हूँ और ये मैंने पूरी सीरीज शुरू की है। तो प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आसानी हो आगे की वीडियोज के लिए। थैंक यू सो मच। और सेशन पसंद आए तो आप खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है खुशी और मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ। तो दोस्तों, हम कर रहे थे कोशिका विज्ञान और ये कोशिका विज्ञान के पूरे PYQ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, किस प्रक्रिया द्वारा टैडपोल एक वयस्क मेंढक में विकसित होता है? ऑप्शन है निषेचन, रोपण, कायांतरण या फिर मुकुलन। ये क्वेश्चन आस्क्ड था एसएससी जेई 2018। सो आंसर हो जाएगा हमारा बी, कायांतरण। क्वेश्चन नंबर 2, यदि बाहरी घोल कोशिका द्रव्य के परासरण दाब को संतुलित करता है तो उसे क्या कहते हैं? समपरासरी, अल्प परासरी, अति परासरी या फिर आदर्श परासरी। सो आंसर हो जाएगा हमारा ए, समपरासरी। एसएससी जेई 2017 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में करना सामान्य रूप से क्या कहलाता है? श्वसन, पोषण, पाचन या फिर परिवहन। सो आंसर हो जाएगा हमारा ए, श्वसन। क्वेश्चन नंबर 4, एक गुणसूत्र में निम्न में से क्या उपस्थित होते हैं? डीएनए और लिपिड, आरएनए तथा अमीनो अम्ल, डीएनए और प्रोटीन या फिर आरएनए तथा शुगर। सो आंसर हो जाएगा हमारा सी, डीएनए और प्रोटीन। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेई 2018 में। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर किसको छोड़कर सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन है उपकला, ऑप्शन इज उपकला ऊतक, ग्रंथिल ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक। सो आंसर हो जाएगा हमारा बी, ग्रंथिल ऊतक। क्वेश्चन नंबर 6, बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करती हैं? रैखिक गति, कोणीय गति, बल या फिर ऊर्जा। सो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका चक्र में निम्न में से कौन सा चरण विभाजन अंतराल अवस्था का नहीं है, मतलब इंटरफेज का हिस्सा नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड नहीं है? समसूत्रण मतलब माइटोसिस, अंतराल गैप 2, संश्लेषण या फिर अंतराल गैप 1। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में। सो आंसर हो जाएगा हमारा ए, समसूत्रण मतलब माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सूत्रकणिका या फिर जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म। सो आंसर हो जाएगा हमारा डी, प्रोटोप्लाज्म। एसएससी सीपीओ 2017 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9, आधारभूत संरचना अथवा आकार में समान भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित अंग क्या कहलाते हैं? समरूप अंग, समजात अंग, विषम रूपी अंग या फिर समधर्मी अंग। सो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा बी, समजात अंग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? सूत्रकणिका, केंद्रक, केंद्रिका या फिर लयन काय। सो आंसर हो जाएगा हमारा लयन काय। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से सूत्र विभाजन मतलब माइटोसिस का पहला चरण कौन सा है? पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, पश्चावस्था एनाफेज या फिर अंत्यावस्था टीलोफेज। सो आंसर हो जाएगा हमारा ए, पूर्वावस्था प्रोफेज। एसएससी जेई 2017 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? दोस्तों, आप तो ये मुझे बता दोगे, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से राइबोसोम की अनुपस्थिति में से कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? उत्सर्जन, कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण या फिर प्रकाश संश्लेषण? आंसर हो जाएगा हमारा ए, उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में से कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? उत्सर्जन, कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण या फिर प्रकाश संश्लेषण? आंसर हो जाएगा हमारा उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है? एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर कोई नहीं? सो आंसर हो जाएगा हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 15, रंध्रों के संरक्षण कोशिकाओं का कार्य क्या कहलाता है? कार्य क्या है? केवल रंध्रों को खोलना, केवल रंध्रों को बंद करना, रंध्रों को खोलना और बंद करना दोनों, डी रंध्रों को ना तो खोलना और ना ही बंद करना। सो आंसर हो जाएगा हमारा सी, रंध्रों को खोलना और बंद करना दोनों। ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC CHSL 2018 में। क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक किसको छोड़कर सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? घनाकार, स्तंभकार, सल्की या फिर बेलनाकार? सो आंसर हो जाएगा हमारा बेलनाकार। ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC JEE 2017 में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? राइबोसोम, कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट या फिर जीव द्रव्य? सो आंसर विल बी बी, कोशिका भित्ति। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन SSC स्टेनोग्राफर 2017। क्वेश्चन नंबर 18, एक विशेष कार्य करने वाले समूह कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक, अंग तंत्र या फिर कोशिकीय संरचना? सो आंसर हो जाएगा हमारा ए, ऊतक। क्वेश्चन नंबर 19, लाइसोसोम को उनको किसकी वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा फेगोसाइटिक गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित पुख्त कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, पुरकिंजे या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने? क्वेश्चन पूछा गया था SSC स्टेनो 2017 में। आंसर हो जाएगा हमारा बी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? गॉल्गी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम? सो डाइजेस्टिव आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। SSC स्टेनो 2011 और SSC CHSL 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया है? रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक, पुरकिंजे या फिर रॉबर्ट ब्राउन? सो आंसर विल बी पुरकिंजे। क्वेश्चन नंबर 23, फर्न की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाती हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? सो आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1। SSC CGL 2014 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? राइबोसोम में, अंतःप्रद्वी जालिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर गॉल्गी बॉडी में? सो आंसर हो जाएगा हमारा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। SSC CGL 2015 का क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी कोशिका अंग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? गॉल्गी बॉडी, सूत्रकणिका, केंद्रक या फिर लयनकाय? आंसर हो जाएगा हमारा भी सूत्रकणिका। SSC CPO 2017 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 26, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? जंतु, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर पौधे? सो आंसर हो जाएगा हमारा डी, पौधे। क्वेश्चन नंबर 27, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन, फास्फोलिपोप्रोटीन या फिर फास्फोप्रोटीन? आंसर विल बी सी, फास्फोलिपोप्रोटीन। SSC CGL 2010 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? सूत्रकणिका, केंद्रक, केंद्रिका या फिर लयनकाय? आंसर हो जाएगा हमारा लयनकाय। इसे लाइसोसोम भी कहते हैं लयनकाय को। क्वेश्चन नंबर 29, पादप कोशिका में लवक निम्न में से क्या कहलाते हैं? क्लोरोपेन, क्लोरोफाइटा, क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल? सो आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 30,
शीत संवेदी पादनों के झिल्ली के लिपिड में क्या हो सकता है? कम अनुपात में संतृप्त वसा अम्ल, कम अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल, समानुपात में संतृप्त एवं असंतृप्त वसा अम्ल, या फिर डी उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। सो आंसर हो जाएगा हमारा डी, उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस कोशिका को एटम बम कहते हैं? सूक्ष्म नलिका, न्यूक्लियोलस, गॉल्गी बॉडी, या फिर लाइजोसोम। सो आंसर हो जाएगा हमारा डी, लाइजोसोम। क्वेश्चन नंबर 32, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? एंटोनी वॉन लीवनहॉक, जे ई साल्क, चार्ल्स लेवरिन, या फिर कार्ल बेंडा। SSC CHSL 2019 का क्वेश्चन है ये। सो आंसर विल बी डी, कार्ल बेंडा। क्वेश्चन नंबर 33, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, अंतर्द्रव्यीय जालिका और कोशिका कला, या फिर कोशिका कला और कोशिका भित्ति। सो आंसर विल बी सी, अंतर्द्रव्यीय जालिका और कोशिका कला। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी कोशिका केवल पादप कोशिका में स्थित होती है? निम्न में से कौन सी कोशिका केवल पादप कोशिका में स्थित होती है? लाइसोसोम, प्लास्टिक कोशिका झिल्ली, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। SSC CPO 2017 का क्वेश्चन है ये। सो आंसर विल बी बी, प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? युगलीना, अमीबिया, पैरामीशियम। सो ये तो हो जाएगा तीनों, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों ही एक कोशिकीय जीव हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया SSC JEE 2018 में। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए कोशिकाएं माना जाता है? ऑप्शन है सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, लाइजोसोम, या फिर ग्लाइऑक्सिसोम। सो SSC CHSL 2010 में पूछा गया था। आंसर हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है? केंद्रिका, गुणसूत्र, वंशाणु, या पित्रक, या फिर कोशिका। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC Delhi Police 2017 में। आंसर विल बी सी, वंशाणु, या फिर पित्रक। क्वेश्चन नंबर 38, अतिवर्धन का अर्थ है किसी कोशिका के आकार में वृद्धि, पेशी की अत्यधिक गतिशीलता, अतिलोलुपतापूर्ण खान पान, या फिर कोशिकाओं की संख्या में अपसामान्य वृद्धि। सो आंसर हो जाएगा हमारा डी, कोशिकाओं की संख्या में अपसामान्य वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 39, कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट हैं, संचरण ऊतक, अनुपूरक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, या फिर अधश्चर्म कोशिकाएं। सो आंसर हो जाएगा हमारा सी, सहायक कोशिकाएं। SSC CGL 2014 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? युगलीना, पैरामीशियम, गोन्यूलैक्स, या फिर माइकोप्लाज्मा। सो आंसर हो जाएगा हमारा डी, माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 41, जल की अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल क्या कहलाती है? परासरण, अवसादन, अवक्षेपण, या फिर स्वेदन। ये क्वेश्चन था SSC CHSL 2018 का। सो आंसर विल बी ए, परासरण। क्वेश्चन नंबर 42, पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली पदार्थ से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? प्लास्टिड्स, रिक्तिकाएं, कोशिका द्रव्य, या फिर हरित लवक। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में। सो आंसर विल बी सी, कोशिका द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 43, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? एम स्लीडन और स्वान, विरसा, जेई पुरकिंजे, या फिर लेवन हॉक ने। सो आंसर हो जाएगा स्लीडन एंड स्वान ने। SSC CHSL 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? लूसीफेरिन, हीमोग्लोबिन, फ्लावोनोइड्स, या फिर मेलेनिन। सो आंसर हो जाएगा हमारा डी, मेलेनिन। क्वेश्चन नंबर 45, DNA का असंक्षिप्त रूप क्या है? डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डी न्यूक्लिक अम्ल, ड्यूअल नाइट्रोजन अम्ल, या फिर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। सो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC CGL 2017 में, SSC GD कांस्टेबल 2019 में।
क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपाई विशालतम है, वेल, गैंडा, हाथी या फिर मानव? दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल 2017, सो आंसर विल बी वेल। क्वेश्चन नंबर 47। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है, कोशिका विभाजन, कोशिका प्रजनन, कोशिका संश्लेषण या फिर विखंडन से? सो आंसर हो जाएगा हमारा ए, कोशिका विभाजन से। क्वेश्चन नंबर 48। अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समरूप अंग, समताज अंग, विषम रूप अंग या फिर समधर्मी अंग? सो आंसर विल बी ए, समरूप अंग। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल 2018 में। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड इज नहीं? कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक या फिर कोशिका द्रव्य? सो आंसर विल बी ए, कोशिका भित्ति। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल 2018 में। क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, अग्नाशय कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं या फिर अधिचर्मिक कोशिकाएं? सो आंसर हो जाएगा हमारा तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन्स। एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 51। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने, जे साल्क ने, चार्ल्स लैवरन या फिर कार्ल बेंडा ने? सो आंसर हो जाएगा हमारा डी, कार्ल बेंडा। क्वेश्चन नंबर 52। वैज्ञानिक परकिंजे द्वारा निम्न में से किस शब्दावली का सृजन किया गया, कोशिका, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म? सो आंसर हमारा हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में। क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली मतलब सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, गॉल्गी संरचनाएं, डीएनए, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में, आंसर विल बी लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 54। बहुगुणिता मतलब पॉलीप्लाइडी किसमें परिवर्तन होने पर होती है, क्रोमेटिड की संख्या, जीन की संरचना, क्रोमोसोम की संख्या या फिर क्रोमोसोम की संरचना? सो आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्रोमोसोम की संख्या। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2016 में। क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से किसको कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसका कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताना, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मिलान है, तो आप मुझे ये बता देना एक बार, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना जितने भी सही मिलान होंगे। हेलो दोस्तों, आप जितने भी सही मिलान के क्वेश्चंस रहेंगे मतलब सुमेलित करने के, तो आप उन्हें एक बार खुद से सॉल्व करना, मैं उनके आंसर्स दे दूंगी, तो आप एक बार मैच कर लेना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने किया है या फिर नहीं किया है, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 57। आरएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो नाइट्रिक एसिड, राइबोन्यूट्रिएंट एसिड या फिर रिजर्व न्यूक्लिक एसिड? ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2017 में, आंसर हो जाएगा हमारा ए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से पादप कोशिका का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य में होता है, क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य में होता है, क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है, ऑप्शन इज कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य या फिर केंद्रक? ये क्वेश्चन था एसएससी सीएचएसएल 2018 का, आंसर हो जाएगा हमारा भी कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 60। जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है, स्वपोषी, विषम पोषज, सर्वाहारी या फिर विघटन करने वाला? स्वपोषी विषम पोषज, सर्वाहारी या फिर विघटन करने वाला? सो आंसर हो जाएगा हमारा ए, स्वपोषी। ये क्वेश्चन था एसएससी सीएचएसएल 2017 का। क्वेश्चन नंबर 61। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स या फिर न्यूक्लियस? सो आंसर हो जाएगा हमारा डी, न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सी चीज एक जीन का गठन करती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स,
हाइड्रोकार्ब्स, लाइपोप्रोटीन्स या फिर लिपिड्स। सो आंसर हो जाएगा हमारा ए, पाइलोन्यूक्लियोटाइड्स। क्वेश्चन नंबर 63, यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्पपराशन दाबी विलयन है तो कोशिका संभवतः क्या रहेगी, फूलेगी, माप में स्थिर रहेगी, सिकुड़ेगी या फिर इसका कोई विकल्प सही नहीं है। सो आंसर हो जाएगा हमारा ए, फूलेगी। यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्पपराशन दाबी विलयन है तो कोशिका संभवतः फूलेगी। SSC CHSL 2018 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 64, फंजाई जगत के बहुत से जीवों की कोशिका भित्तियां क्या कहलाने वाली एक कठोर जटिल शर्करा से बनी होती हैं, पैक्टिन, सुबेरिन, सेलुलोज या फिर काइटिन। सो ये क्वेश्चन था SSC CHSL 2018 का और आंसर हो जाएगा हमारा डी, काइटिन। क्वेश्चन नंबर 65, प्रदीप्ति होने पर निम्न में से कौन सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, द्रक तंत्रिका, पश्चमाभि पेशिका या फिर काचाभ द्रव। आंसर हो जाएगा हमारा ए, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 66, प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी के कारण हैं, पेचिस, मलेरिया, चेचक या फिर हर्पिस। सो आंसर हो जाएगा हमारा बी, मलेरिया। SSC CHSL 2017 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 67, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, स्लीडन और स्वान, लैमार्क, ट्रेवरेनस या फिर विटकर और स्टेनली। सो आंसर हो जाएगा हमारा ए, स्लीडन और स्वान। क्वेश्चन नंबर 68, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं, जीव द्रव्य कुंचन, अवसादन, विसरण या फिर स्वेदन। सो आंसर हो जाएगा हमारा सी, विसरण। क्वेश्चन नंबर 69, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसमें देखकर की थी, प्याज की झिल्ली, पतली कॉर्क के टुकड़े, तालाब के जल या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। सो आंसर हो जाएगा हमारा पतली कॉर्क के टुकड़े। क्वेश्चन नंबर 70, पैरामीशियम में भोजन एक विशिष्ट स्थान तक किसकी गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं, ऑप्शन है पच्छाभ, बिल्ली, पादाभ या फिर रिक्तिका। सो आंसर हो जाएगा हमारा ए, पच्छाभ। अब आगे बढ़ेंगे NDA, एयरफोर्स एवं CDS की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से एक अर्ध पारगम्य कौन सा है, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या फिर केंद्रक। सो आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका झिल्ली। ये क्वेश्चन था NDA 2011 का। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है और यह किससे बना होता है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CDS 2016। ऑप्शन है हमारे पास केवल कोशिका द्रव्य, केवल केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, और डी ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। सो आंसर विल बी डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, नहीं। ऑप्शन है कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। और ऑप्शन नंबर डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। सो आंसर हो जाएगा हमारा डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट या फिर मोनोसाइट्स। सो आंसर हो जाएगा हमारा बी, लाल रक्त कोशिका। UPSC और स्टेट PCS की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न अब हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, बंदर, चीता, तितली या फिर छिपकली। सो ये क्वेश्चन था UPPCS प्री 2004 का। सो आंसर हो जाएगा हमारा डी, छिपकली। क्वेश्चन नंबर 3, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर दोनों, या फिर ए और बी दोनों। सो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ए और बी दोनों, प्रोटीन और लिपिड। ये क्वेश्चन पूछा गया था UPPCS मेंस 2008 में। क्वेश्चन नंबर 4,
निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रायः लघुतम सजीवी कोशिकाएं हैं। ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है। ऑप्शन सी, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। सो आंसर हो जाएगा हमारा सी। और क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, प्रायः लघुतम सजीवी कोशिकाएं हैं। बी, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है। ऑप्शन सी, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। और ऑप्शन डी, रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति। ऑप्शन डी, रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। सो आंसर हो जाएगा हमारा सी, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली या फिर सेंट्रोसोम। सो आंसर हो जाएगा हमारा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन था यूपीआरओ एआरओ मेंस 2013 और एमपीपीसीएस प्री 2010 का। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर के किस भाग में, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यकृत, दीर्घ अस्थि, अग्नाशय या फिर तिल्ली। सो आंसर हो जाएगा हमारा डी, तिल्ली। ये क्वेश्चन था झारखंड पीसीएस 2010 का, झारखंड पीसीएस 2010 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 36, 46, 56 या फिर 26। सो आंसर हो जाएगा 46। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? ऑप्शन है, पहला, ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। ऑप्शन नंबर बी, ये अंगों के क्षतिग्रस्त उत्कों की मरम्मत करती है। ऑप्शन सी, ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। और ऑप्शन डी है, ये केवल भ्रूण मतलब एम्ब्रियो में पाई जाती है। सो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन आरएएसआरटीएस 2007। क्वेश्चन नंबर नाइन, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? 21, 22, 23 या फिर 24। सो आंसर हो जाएगा 23। उत्तराखंड पीसीएस 2003 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, एजिंग, डीजनरेशन या फिर नेक्रोसिस। सो आंसर हो जाएगा एपोप्टोसिस। क्वेश्चन नंबर 11, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन या फिर बहुगुण सूत्रता। सो आंसर हो जाएगा हमारा सी, उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? लाइसोसोम, असेंट्रोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम, गॉल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। सो आंसर हो जाएगा हमारा बी, अंतर्द्रव्य जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 13, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्र, गॉल्गी बॉडी, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। सो आंसर हो जाएगा हमारा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन था आईएसपी 2001 का। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद हैं ग्लूकोज का अपघटन, केप्स चक्र, अंतिम श्वसन श्रृंखला या फिर जल अपघटन। सो आंसर हो जाएगा हमारा बी, केप्स चक्र। क्वेश्चन नंबर 15, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कोई नहीं। सो आंसर हो जाएगा हमारा ए, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीसीएस प्री 2010 में और यूपीपीसीएस प्री 1991 में। थैंक यू सो मच गाइस। हेलो दोस्तों, आप यहाँ तक पहुँचे मतलब आपने पूरा वीडियो को देखा हुआ है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए थे बिटवीन द सेशन, सो आप उनके आंसर्स मुझे कमेंट में जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।
और चूंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और आपको अगर मेरे थ्रू थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो और ये सारे PYQs थे और आपको रिविजन में काफी हेल्प मिली होगी, तो प्लीज आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दें। थैंक यू सो मच।